बहुत सारी बात नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होंगे और भले चंगे होंगे। ये देखिए जी, ये है सुबह 5:30 बजे की क्लिप। तो आज सुबह सुबह मिल गया हमें सरप्राइज़। आरव की बुआ आए हैं अभी अभी, यानी कि मेरी छोटी वाली जो ननंद है वो आए हैं। तो 5:30 बजे का टाइम है अभी। ये तो हमें पता था कि दीदी आएंगे, पर ये नहीं पता था कि वो सुबह इतनी जल्दी आएंगे। तो उन्होंने हमें नहीं बताया था। तो वे आए हैं सुबह इतनी जल्दी क्योंकि आरव के पापा की आज छुट्टी नहीं थी, उनको ऑफिस में जाना था। तो इसी वजह से वो जल्दी आए हैं कि उनको भी राखी बांध देंगे और फिर आज काजल दीदी को वापस भी जाना है। तो इसी वजह से, और ये देखो आरव के लिए लेके आए हैं लाइट वाली राखी। तो आरव ने 2-3 दिन पहले से ही बोल रखा था अपनी बुआ को कि मेरे लिए लाइट वाली राखी लेके आनी है, और वो आरव की और वेदांशी की दोनों की लाइट वाली ही लेके आए थे क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं ये सब देख के। तो ये देखो जी, राखी हमें भी बंध गई है और अब आ गया है वेदांशी का नंबर। वेदांशी की राखी भी उसकी बुआ ने ही बांध दी है क्योंकि वेदांशी अभी ज़्यादा छोटी है। तो अभी इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो ऐसे थोड़ा, मतलब बच्चे हैं ना वो ज़्यादा, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे। तो ये देखिए जी, अभी चल रहा था एक फ़ोटोशूट, तो फ़ोटो ले रहे थे अभी यहीं पर। तो चाय नाश्ता हो चुका है, बल्कि अभी मैं नहा ली हूँ। तो अभी मैं भी एक बार पूजा करूँगी। जो भी कुछ हमारे रीति रिवाज हैं, जो रस्में हैं, आप देखना। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये देखिए जी, आरव की चल रही है उसकी बुआ के साथ मस्ती। तो सबसे पहले मैंने बना दिए हैं जवे, और हमारे यहाँ पे जो, मतलब कि रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उस पर ये वाली मीठी सेवैयाँ बोलते हैं, इनको जमे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो मैंने बना दिए हैं। और ये देखिए जी, ये मैंने लिया है एक कलावा। तो मैं इसकी छोटी छोटी से राखियाँ बना लूँगी। और ये है लाल मिट्टी, तो गेरू बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। हमारे यहाँ पे जितने भी शुभ के काम होते हैं तो उसमें ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि शादी ब्याह होगी, देवउठनी गैस होगी, रक्षाबंधन हो गया, हर त्यौहार पे यूज़ किया जाता है इसको। तो मैंने इसको 1 चम्मच पानी डाल के भिगो दिया है, जिससे कि 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छी हो जाएगी है। तो ये देखिए जी, ये पिछले साल का है रक्षाबंधन का, तो ये पूरा साल ऐसे ही रहता है। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो अभी नया बनाएंगे। और ये मैंने एक माचिस की सीख के ऊपर कॉटन लपेट के उससे कलम बनाई है, जिससे कि मुझे राम सीता लिखना है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको हमारे रीति रिवाज कैसे लगे हैं, और आपके यहाँ पे, मतलब कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बने रहना व्लॉग में, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए जी, जितने भी दरवाजे हैं सभी पे मैंने चौकटे हैं उसके बाद राम सीता लिख दिया है। और जो मैंने जवे बनाए हैं उसके साथ जो मैंने वो कलावे की राखी बनाई है उनको चिपका दूंगी, बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाती है ये, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और यही रिवाज मेरी मायके में भी है, यही मेरे ससुराल में भी है। तो ये देखिए जी, जो घर का मेन डोर है वहाँ पे भी लगेगी, जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सभी में लगेगी। और जैसे कि आज पूर्णिमा है तो आज का दिन कहना साजला दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से एक बार पूजा वगैरह मैंने कर ली है तो शिवलिंग का अभिषेक कर आती हूँ, क्योंकि अब तो अगले साल ही ऐसा होगा। तो बहुत बस यही है भोले बाबा से प्रे कि सभी के घर में सुख शांति रखे। तो ये देखिए जी, अभी आ गई हूँ मैं किचन में, काजल दीदी राखी बांधने के लिए गई हैं। तो बहुत ही कम टाइम था, मुझे बहुत कम टाइम में खाना बनाना है, तो मैंने गैस पे रख दिए हैं एक कुकर में। 1 कटोरी चावल डाले हैं मैंने, और इसके अंदर 5 से 6 इलायची डालूंगी मैं, साबुत ही डाल दूंगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, टाइम बहुत कम है मेरे पास, मुझे बहुत कम टाइम में खाना तैयार करना है। वैसे तो काजल दीदी मना कर रहे थे खाना खाने के लिए, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि त्यौहार के दिन ऐसे जाए घर से। तो
मम्मी बोले कि चलो कोई नहीं एक ही सब्जी बना ले। वैसे तो मैंने ये सोच रखा था कि एक मिक्स वेज बना दूंगी और एक मटर पनीर की सब्जी, तो पर उन्होंने मतलब कि ज़्यादा जल्दी मचा रखी थी, तो ये सोचा मम्मी बोले कि चल तू बाकी सब कुछ छोड़, तू मटर पनीर की सब्जी ही बना दे और जल्दी से जल्दी बना दे। उन्होंने ज़्यादा तोड़ तिल्ली तार रखे, तो मैं सबसे पहले गैस पर मैंने खीर के लिए रख दिया है, दूध रख रखा है मैंने दूसरी वाली गैस पर। तो मैं दो सीटियाँ दिलवाऊँगी इनमें जो चावल है, एक कटोरी चावल में मैंने दो कटोरी पानी डाल रखे हैं और उसके अंदर मैं एक सिटी दिलवाऊंगी। तो ये देखिए जी पनीर के पीस भी मेरे कट के हो गए हैं तैयार। तो मैं अभी जितने मैंने प्याज ली हैं उतने ही मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही मतलब कि छोटे छोटे पार्ट काट रखे हैं मैंने, ज़्यादा बड़ी बना मतलब कोशिश की है कि कुछ भी मतलब कि एक्स्ट्रा ना डालूं इसके अंदर, जो यूज़फुल है सिर्फ वही डालूं। तो रफली से काट लेंगे टमाटर और प्याज, ज़्यादा बारीक काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी ही कट जाते हैं। तो पनीर भी कट गया है, तो मेरी ये वाली तैयारी हो गई है। गैस पर रखी है खीर और ये देखिए जी मैं तब तक ये मसाले भून लूँगी। इसमें सूखा धनिया है, काली मिर्च है, चार लौंग है, दो हरे वाली इलायची है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। ये देखिए जी मैंने एक सीटी के बाद सीटी इसी के अंदर छोड़ दी थी, तो चावल मेरे पक चुके हैं। जो ये इलायची है मैं इनको इसी टाइम पे निकाल लूँगी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर मेरी खीर के अंदर जा चुका है। आप इसको पीस के भी डाल सकते हो, पर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अभी निकाल लूँगी उनको, और ये जो उबला हुआ दूध है इसको मैं डाल दूँगी अभी कुकर के अंदर, और अभी मतलब 5 मिनट में खीर तैयार हो जाएगी। टोटल टाइम इस खीर को बनाने में 15 मिनट लगे हैं, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी खीर तैयार होती है। गैस पे रख दिया मैंने खीर, अभी 5 मिनट के लिए और पका दूंगी मैं। ये देखिए जी तब तक मैंने मटर निकाल रखी थी, तो इनको बॉईल कर लिया है और इनको सिर्फ 80% कुक किया है, 100% नहीं किया है। तो आगे बताऊंगी मैं क्या कुछ करना है। तो अभी नमक डाल के उबाल रखा है मैंने मटरों को, आधा गिलास पानी डाल दिया था मैंने इसके अंदर, और मैं मटर पनीर है जो वो बनाऊंगी देसी घी में। तो मैंने इसके अंदर डाल लिया है 2 चम्मच देसी घी, वो हमारे यहाँ पे एक कहावत है घी कर है काम और बहू का होगा नाम। तो घी में जब भी कोई भी सब्जी बनेगी तो वो लाजवाब ही बनेगी, उसके टेस्ट का कोई भी मतलब कि मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखिए जी मैंने इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू मेरे पास कम थे तो मैंने 4 से 5 इसके अंदर बादाम भी डाल दिए हैं। तो मैंने यही सोचा कि खीर के अंदर भी डालने हैं, तो मतलब जितना जो कुछ है उसी में मैनेज कर लेती हूँ मैं, ये नहीं कि भाई हाँ अभी ये लेके आना है। तो मैंने हल्का सा सेक लिया है इनको, 1 मिनट के लिए ही रोस्ट किया है तो ज़्यादा नहीं किया है। ये देखिए जी मैंने जो पनीर के पीसेस काटे थे सिर्फ 1 मिनट के लिए सेकना है पनीर, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा सेक दिया आपने यहाँ पे भून दिया इसको तो वो रबड़ की तरह हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और इसको भूनने का ये फ़ायदा रहेगा कि जब हमारी सब्जी में उबाल आएगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पनीर बिखर जाता है, तो इससे पनीर के पीस यू के यू रहेंगे, बिखरेगा नहीं, मतलब एक हल्की सी इलास्टिक सिटी आएगी। और तो वही सेम कढ़ाई है, उसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। तो थोड़ा सा डाला है मैंने जीरा, और जो मैंने रफली से प्याज काटे थे वो डाल दूंगी। इनको 2 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे, ये नहीं ज़्यादा ब्राउन करना है इनको। ये देखिए जी दूसरी गैस पे तब तक मेरी खीर बन के होगी है तैयार। इसी स्टेज पे मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है, क्योंकि मैं किशमिश भिगोना भूल गई थी पहले, तो मैंने अभी डाल दिया। जैसे ये उबल रही है तो किशमिश अच्छे से फूल जाएंगी, अपनी शेप से दोगुनी हो जाएंगी। ये देखिए जी तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च, थोड़ा सा मैं अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मतलब कि जब तक हमारी जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक इनको अच्छे से सेक लेना है। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, 2 से 3 मिनट का ही है। और अभी डाल देंगे टमाटर इसके अंदर जो हमने रफली से चॉप कर रखे हैं। तो गैस का फ्लेम आप थोड़ा मीडियम ही रखना, ज़्यादा तेज़ नहीं। और थोड़ा सा ना तली में लग गया था वो जो पनीर के पीसीस थे उनकी वजह से घी था, तो पर कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली उतर गया था, मैंने बार बार चलाती रही थी तो और कुछ सामान नहीं लगने दिया था मैंने इसका नीचे तली में। अभी नमक और हल्दी डाल दी है मैंने, अभी इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी, जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए जी तब तक मेरी खीर बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं खीर के लिए जो ड्राई फ्रूट्स है वो काट दूंगी, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी जल्दी में खाना बनाना है मुझे।
बारीक बारीक सी कतरन काट लेंगे। खैर इनके पीसेस तो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, जैसे आपके पास अवेलेबल हो उसी के हिसाब से। तो ये देखिए जी, अभी हो गए हैं 5 मिनट और हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। जो मैंने काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स मतलब कि हल्के से सेक रखे थे उनको भी मैंने इसी स्टेज पे डाल दिया है। तो ये देखिए दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसको पंखे के नीचे रख दूंगी, गैस को बंद करके, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा। और तब तक जो ये मेरे मसाले भुनने थे मैंने तवे के ऊपर, इनको मैं बेलन के साथ दरदरा सा पीस लूँगी। पीस तो आप मिक्सी जार में भी सकते हो, पर मैं बेलन के साथ या कुंडी में ही पीसती हूँ। इससे ये थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा ना, तो जब ये मुंह के अंदर जाएगा तो इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इनका, बहुत ज़बरदस्त। तो आप कूट कैसे भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, मिक्सी जार में पीस के डालो। पर ज़्यादा बारीक पे मतलब बनाना इसका पाउडर, ये थोड़ा दरदरा सा ही अच्छा लगता है। वैसे तो इसको छोंक के अंदर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको भून के डालती हूँ, ऐसे बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए जी, खीर मेरी बन के होगी है तैयार, और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं मुझे खीर को बनाने में। बहुत ही ईजी मेथड है, इस मेथड से कभी खीर बना के देखना, बहुत टेस्टी भी बनती है। तो ये लिया है मैंने नारियल का बुरादा, इसके अंदर कर दूंगी मैं मिक्स। वैसे नॉर्मल गोला होता है जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये था कि थोड़ी सी खीर का कलर वाइट वाइट सा रहेगा, तो इसी वजह से मैंने ये नारियल का बुरादा डाला है। तो ये देखिए जी, तब तक मेरे जो ये टमाटर प्याज मैंने भून रखे हैं वो भी हो गए हैं अच्छे से ठंडे। मैं अभी इनको मिक्सी जार में डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना दूंगी। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त मतलब ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो गैस पे मैंने रख दिया दोबारा से कढ़ाई, और 1 से 2 चम्मच घी डाल लूँगी मैं। ज़्यादा भी मैंने घी का यूज़ नहीं किया, सिर्फ 3.5 चम्मच ही घी लगे हैं। और सच में ये बहुत टेस्टी लगता है, जो कभी कभार जब ऐसी सब्जी बनती है ना रिफाइंड या तेल वगैरह से अलग, तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने यही सोचा कि चलो मेरे पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, एक ही सब्जी ऐसी बना देते हैं कि जो अच्छे से पेट भर के खाना खाया जाए, टाइम कम था मेरे पास। तो सच में ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो वही है बात है जी, थाली में ज़्यादा भीड़ करने से कोई बात बड़ी नहीं हो जाती। जितना बनाओ अच्छा बनाओ, संतुष्टि देने वाला बनाओ, जिससे कि खाने वाला भी खुश हो जाए और बनाने वाले को भी आसानी रहे। तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई थी मेरी ये सब्जी। ये देखिए जी, अभी जो मैंने मसाले कूट रखे हैं उनको मैं इसी टाइम पे डाल दूंगी, 1 से 2 मिनट के लिए इनको सेक लूंगी, जिससे जो कि मसालों का फ्लेवर है वो अंदर इनके अच्छे से चला जाए। अगर आपके पास ये खड़े मसाले नहीं हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस स्टेज पे यहाँ पे एक मैगी मसाले का पाउच डाल सकते हो, वो भी सेम काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है उससे, वो इजीली आपको शॉप से मिल भी जाएगा। और अभी मैंने डाली है इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लो, अदरवाइज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जी, मैंने 1 से 1.5 गिलास डाल दिया अभी पानी, पर मुझे थोड़ा थिक सा लग रहा था, अभी ज़्यादा गाढ़ी थी तो और डाल लूँगी मैं पानी। ये मटर हमारी 80% कुक हो चुकी है, और 20% यानी कि 20% ये अभी पक जाएंगी, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो उबाल लगवाना है। तो बहुत, ये देखिए जी, सिर्फ 0.5 किलो मटर थी और 250 ग्राम पनीर था, और कितनी सब्जी बन के तैयार हुई है। और ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत लाजवाब थी ये सब्जी। और जितने भी मेरे जो ये ग्रेवी के बर्तन थे सारे के सारे मैंने धो के इसी के अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए जी कितना अच्छा उबाल आ गया है, और जो इसके पनीर के पीसेस हैं अभी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये ज़रूर ध्यान रखना जी, आप सिर्फ 1 मिनट तक ही सेकना पनीर को, उसका कलर मत चेंज करना, वाइट ही रहने देना उसको, नहीं तो वो इलास्टिक की तरह हो जाएगा, रबड़ की तरह हो जाएगा। तो अभी जैसे कि देसी घी में था तो इसके गुच्छे से बंध गए हैं, चिपक सा गया है, पर अभी ये गरम इसके अंदर जाएगा ग्रेवी के अंदर, तो अपने आप से खुल जाएगा। ये देखिए जी, मेरे पास वैसे अमूल वगैरह की कोई क्रीम नहीं थी, तो ये घर पर मलाई रखी हुई थी दूध से जो उतारते हैं हम, तो उसको मैंने छलनी में डाल लिया है। इसको छान लेंगे, जिससे कि जो ममली इसकी जो पपड़ी होती है मोटी वाली, तो वो नहीं जाएगी, सिर्फ एक मतलब बहुत अच्छी क्रीमी सी क्रीम मिलेगी हमें, बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर होगा उसका। ये देखिए जी, सब्जी हमारी बन की होगी है तैयार, लग रही है ना बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, और बिल्कुल देसी हिसाब किताब से अपने घर की चीज़ों से ही बनाई है, कोई भी बाहर से कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं लेके आना पड़ा हमें कि ज़्यादा कुछ डालना पड़ा। तो अभी आप इसको अपनी पसंद से कैसे भी गार्निश कर सकते हो। तो मैंने थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं,
जिससे कि देखने में भी अच्छी लगे और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं अभी एक बार रोटी बना के, सबसे पहले मैं एक बार गाय की रोटी निकाल लूँगी खीर और जमे के साथ। वैसे तो मैंने जमे के साथ जो हमारा रिवाज होते हैं वो मैंने कर दिया है, पर एक बार मैं गाय को रोटी दे दूँगी पहले। अब ये देखिए जी, तो काजल दीदी राखी बांध के आ चुकी हैं। काजल दीदी गए हुए थे मिट्टू और के घर पे, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये मेरी जेठानी है। और सबसे स्पेशल बात ये है कि ये हमारे कास्ट के नहीं है, और सच में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी हैं ये। और ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इनका नेचर बेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी बातें कर रहे थे हम किचन में खड़े हुए, ये अंदर बैठे थे तो मम्मी और से बात कर रहे थे, मैं अंदर तब से किचन में काम लग रही थी, तो ये मेरे पास आके ही बातें करने लग गए। यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी कास्ट के हैं, हमारे घर परिवार के हैं, वही हमारे क्लोज हो सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत निखिल और मिठू जो मैं कई बार वीडियो में दिखाती हूँ आपको, तो इन्हीं के बेटे हैं वो। ये बटेव की थाली तैयार करने लग रहे हैं भाई। छत छत पे बने सारे बटेव को गलने हैं। हम मटर बटर खा लेंगे, बटेव ज्यादा जरूरी है। ये देखिए जी, ये हमारी थाली उलग के होगी है तैयार, तो एक बार जीजा जी को हम खाना दे देते हैं। ये मैंने काजल दीदी के लिए डाल दी है, तो एक बार वो भी खाना खा लेंगे क्योंकि वो चलने के लिए जल्दी मचा रहे थे। और ये देखिए जी, ये है रसमलाई जो मैंने सोमवार को बनाई थी, तो बुधवार का था रक्षाबंधन, मैंने काजल दीदी के लिए रख रखी थी, क्योंकि अब हमारे अंदर ये होता है ना थोड़ा कि भाई जो हमारे बहन भाई होते हैं उनके लिए हम थोड़ा बचा के रखते हैं वो चीज़ जो हमारे ज़्यादा क्लोज होते हैं। और जो हमारी रसमलाई बनी थी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो काजल दीदी यही पूछ रहे थे कि कैसे कैसे बनी है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये। मिठू भी पूछ रहा था कि कैसे बनी है, तो मैं उनको यही बता रही थी कि ये वर्थ की है, तो तब तक मैंने वीडियो वो वाली डाल लेनी थी, तो उसके बाद ही अपलोड की थी मैंने वीडियो। ये देखिए जी, खाने पीने का काम सारा निपट चुका है, तो अभी जीजा जी बार बार बोल रहे हैं जाने के लिए, तो बस एक बार इनकी जाने की तैयारी कर देते, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 10:15 ही बजे, क्योंकि जल्दबाजी में ही आए थे वो। तेरे पहले तेरी बुआ ने छोड़ कहूँगे उसके बाद। राम राम कर बुआ ते, चल चलो चलेंगे। और काजल दीदी इतनी जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि एक तो दीपी दीदी की तबीयत ख़राब है जो मेरी बड़े वाली ननंद है, और एक फिर काजल दीदी की ननंद आएंगी राखी बांधने के लिए, तो इस वजह से निदान चले गए। ले चला पीपी, चला आजा, चला इधर बैठेगी। तू भी जावे है, बाय जाओ दोनों जने, बाय कर दे, बाय बाय कर दे, चल बाय बाय। बहुत जोर जबरदस्ती करके गाड़ी से इनको नीचे उतारा है। तो आपको ब्लॉग कैसे लगा है तो जी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जाते टाइम लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।